नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज आप लोग एक सूचना देख रहे होंगे, वो सूचना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 26,210 कांस्टेबल भर्ती से लेकर, और इसमें 8400 जो पद हैं वो पीएससी के और ऐड हो जाएंगे, लगभग 34-35 हज़ार के समथिंग में जो पदों की संख्या है वो हो जाएगी। देखिए, आज एक ही न्यूज़ वायरल हो रही है, अब ये कितनी हकीकत है कितनी हकीकत नहीं है, देखिए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसे लेकर मैंने कई सारे न्यूज़पेपर जो है वो चेक किए, लेकिन मुझे ये खबर हाथ नहीं लगी, ठीक है ना। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार हुआ ख़त्म, 26,210 पदों पर होगी भर्ती। तो ऐसा नोटिस बहुत पहले और भी जारी हो चुका है। ऊपर देखिए, शुक्रवार 2 सितंबर 2022 नई दिल्ली, और यहाँ पर लिखा हुआ है लखनऊ। तो थोड़ा सा इसी से ही डाउट जो है वो फील हो रहा है कि ऊपर नई दिल्ली का पेपर है तो यहाँ पर लखनऊ क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। लखनऊ नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि ये भर्ती नहीं आएगी। और इसमें जो बताया गया है कि सितंबर के अंत तक इस वैकेंसी के आने के पूरे पूरे अनुमान हैं, तो इस पर हम पहले भी आप लोगों से बात कर चुके हैं कि सितंबर तक ये वैकेंसी आ सकती है, पूरी पूरी संभावना है। और इससे पिछली मेरी दो वीडियो आप लोग उठाकर देख लिए, उसमें मैंने संकेत भी दिया है कि सितंबर के अंत तक आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। लेकिन ये पूरी तरीके से डाउटफुल न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ है वो क्रिएट कर दी जाती हैं, बना भी दी जाती हैं, और न्यूज़पेपर वाले भी जारी कर देते हैं। अब से पहले भी कई सारी जो कटिंग है वो इस प्रकार की वायरल हो चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर MB लिखा हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से यूपी से देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। कहाँ पर जारी किया गया है शॉर्ट नोटिस? ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर किसी भी भर्ती को लेकर, और मतलब किसी भी भर्ती को लेकर नहीं, आपकी कांस्टेबल भर्ती को लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है कोई विभागीय नोटिस वायरल हो रहा हो, ठीक है ना, ये हो सकता है। लेकिन ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आया है। अगर नोटिस आएगा तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आएगा। तो अभी आप लोग भी ये समझ के चलिएगा कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कि हम इसको हकीकत कहें या फिर हम इसको डाउट में रखें। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये डाउटफुल न्यूज़ है। मैंने न्यूज़पेपर भी चेक कर लिए किस न्यूज़पेपर में है, मुझे तो भैया मिला नहीं है ये। अगर आप लोगों को मिल गया है तो कोई कन्फर्म करा दे, जिसको भी मिला है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, जिस न्यूज़पेपर में ये अपडेट है उस न्यूज़पेपर का नाम हमें कृपया करके कंफर्म करा दें, तो ये मान सकते हैं कि भाई ये जो वैकेंसी है वो आ सकती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सितंबर के अंत तक बोला है इसमें। यहाँ पर देखिए, 26,210 पदों पर होगी यूपी कांस्टेबल भर्ती। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। यह भर्ती कुल 26,210 पदों पर होगी, जिसके लिए सिपाही और फायरमैन की पदों पर भर्ती के लिए कुल कुल नोटिफिकेशन सितंबर के, ठीक है ना, इसमें थोड़ा मतलब फुल नोटिफिकेशन सितंबर के आखिर तक जारी करने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, अभी एग्ज़ाम की तारीख को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर दिसंबर 2023 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो है उसकी शुरुआत जल्द कर दी जाए। तो कहने का मतलब ये, देखिए मेरी तरफ से पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, जब तक इसका ऑफिशियल कोई तथ्य सामने नहीं आता है तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये फेक है। चंद व्यू कमाने के लिए हो सकता है किसी ने एडिट किया हो, या फिर किसी न्यूज़पेपर ने ऐसे ही ये न्यूज़ छाप दी है, ठीक है ना। इसका मुझे नहीं लगता हकीकत से कोई वास्ता है, लेकिन एक चीज़ सत्य हो सकती है कि सितंबर के अंत तक ये जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आ सकती है, पूरी पूरी संभावना है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रमाण मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें ये खबर है, तो वो मुझको बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कन्फर्म करा दे। मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है भैया। तो यहाँ से ही इसमें डाउट आ जाता है, शुक्रवार 2 सितंबर 2022 नई दिल्ली, और यहाँ लखनऊ लिखा हुआ है। जब नई दिल्ली है तो यहाँ पर या तो गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए था, या फिर नई दिल्ली ही होना चाहिए था, वहीं से तो खबर आएगी भाई। लखनऊ और नई दिल्ली का आपस में क्या संबंध रहा,
कोई संबंध नहीं रहेगा। अगर मान के चलिए हो भी सकता है कि ये नई दिल्ली, तो कौन से न्यूज़पेपर में है, ज़रा वो न्यूज़पेपर कंफर्म करा दिया जाए कि किस न्यूज़पेपर में अपडेट आई है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आप लोगों को अगले कुछ समय में वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है सितंबर के अंत तक ही वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिले। अभी इतना ही कहेंगे कि ये पूरी तरीके से निराधार खबर हो सकती है जब तक इसका कोई ऑफिशियली प्रमाण ना मिल जाए। ये YouTube पर खूब वायरल की जा रही है, कोई भी इसकी हकीकत नहीं बता रहा है, केवल और केवल बता जा रहा है कि भर्ती आ गई। ऐसे कई सारी पहले भी अपडेट वायरल हो चुकी हैं, ठीक ना। तो किसी भी खबर को बिना जाने ही और बिना उसे समझे ही ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट कर देना, वैकेंसी आ गई भाई फलाना ढिक्का, तो हमें बिल्कुल देखिए इस न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी नहीं है किस न्यूज़पेपर में ये आई है। और हमने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग परेशान ना हों। और ये जो खबर है हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई, फिर उसके बाद में पूछा गया सर ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तब हमने आप लोगों के बीच में आने का ये फैसला किया कि आप लोगों को बता दिया जाए कि इस खबर को लेकर आखिर हमारे दिमाग में क्या है। तो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल जो है वो बता दी है। अभी सितंबर के अंत तक का इंतज़ार कीजिए, वैकेंसी हर हाल में आ जाएगी। और नोटिस इसमें बताया गया ना, शॉर्ट नोटिस, तो उसे देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, ठीक है। अगर हो सकता है कि देर शाम तक या फिर शाम तक कोई नोटिस आ जाए तो कह नहीं सकते भाई, अभी तो कुछ भी किसी भी साइट पर नहीं है। यही अपडेट है ऑफिशियल, ठीक है भैया, हमारी तरफ से जय हिंद।